श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, शिव जी पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे होते हैं, जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। भगवान शिव को जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है कि मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। भोलेनाथ का अभिषेक करने से क्या होता है, भगवान शिव को दूध और शक्कर मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करने पर सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। देसी घी से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से महारुद्र का अभिषेक करने पर रोगों और शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से कष्टों कलेशों पापों का शमन होता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल होती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच होता है। ऐसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित करके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल 5 बजे का समय काफ़ी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर और सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जिससे हमारे आराध्य देव शिव भगवान महादेव, देवों के देव महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। शिवलिंग पर तांबे, चांदी या सोने के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, स्टील या लोहे के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय शिवजी के मंत्रों का जाप करना अवश्य होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में एक दिन किसी देवता का नहीं होता है, किसी न किसी देवी देवता को जरूर समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्तियों को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना, फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध, गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन बहुत विशेष माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसी दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं।